जी दर्द निशंक बात आज दर्द निशंक की क्यों। उत्तराखंड राज्य भले ही छोटा राज्य हो लेकिन यहां नेताओं की महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है, जिनमें कुछ ऐसे नेता शुमार हैं जिनका जिक्र गाहे बगाहे उत्तराखंड की सियासत में हो ही जाता है। इन्हीं नामों में एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का है, जो वर्तमान में हरिद्वार से भले ही लोकसभा सांसद हैं लेकिन एक बार फिर से उनका दर्द जिस तरह से झलका उसको लेकर सियासत गर्म है। डॉक्टर निशंक की माने तो उत्तराखंड में अगर किसी भी नेता को छींक तक आती है तो उसके पीछे उनका नाम जिक्र होने लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में निकाय चुनाव खत्म हुए, ऐसी सीटें बीजेपी हार गई जहां आसानी से बीजेपी बाजी मार सकती थी। आज बात करेंगे इसी मुद्दे की कि आखिरकार निशंक का दर्द निकाय चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए क्या उसको लेकर छलका और इशारा कहां है, देखेंगे आज दर्द निशंक में। या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड की सियासत का वो नाम जिसे हर कोई जानता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा वक्त में लोकसभा सांसद हैं, हरिद्वार से चुनाव जीते और सुर्खियां बटोरी क्योंकि हरीश रावत को इन्होंने चुनाव हराया, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में गाहे बगाहे इनका नाम चर्चाओं में आ ही जाता है, कभी भीतरघात को लेकर और कभी सवाल इस बात को लेकर कि क्या वाकई में पार्टी में एकजुटता है, यह उस वक्त का दौर है जिस वक्त त्रिमूर्ति कहा जाता था, निशंक, कोश्यारी और खंडूरी, लेकिन अब उस वक्त की बीजेपी से अलग आज की बीजेपी दिखाई देती है। उत्तराखंड की राजनीति में कई राजनेताओं के नाम शुमार हैं और सियासी गलियारों में इस वक्त चर्चाएं आम हैं कि आखिरकार क्या वाकई में निशंक ने पूरा जोर लगाकर निकाय चुनाव में पार्टी के लिए काम किया। इस बात को लेकर जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने अंदाज से इसके जवाब भी दिए। हरिद्वार से लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के सवालों के जवाब क्या थे पहले जरा वो सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इस बारे में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कभी किसी का पांव फिसल जाता है तो निशंक जी का जरूर नाम आ जाता है, कोई हार जाता है तब भी निशंक जी याद किए जाते हैं, जीतने पर तो किए जाते हो लेकिन वो शायद बाहर नहीं निकल पाती। समय दिया है अपनी पार्टी को, मेरा जो उपयोग आप करना चाहे जिस मोर्चे पर खड़े रखें, हाँ ये काम मेरा है कि मैं उस मोर्चे पर ताकत के साथ आपको प्रमाणिक तरीके से रिजल्ट दूं। जहाँ तक हरिद्वार का विषय है, वो क्यों करते हैं, मैं हरिद्वार से सांसद हूँ और 2 लाख मतों से जीत के आया हूँ। मैं तब जीत के आया हूँ जब हरीश रावत साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री था। अब कभी आप लोग ऐसे व्यक्ति को बिठा देते हैं जिसका जवाब देने के लिए मुझे सिर पकड़ना पड़ता है, लेकिन आप लोग बुलाते हैं तो मैं आपके कारण आ जाता। जी हाँ, ये अंदाजे निशंक है और निशंक ने अपने ही अंदाज से अपनी बात को रखा है, लेकिन क्या ये उनका दर्द झलका और इशारों इशारों में उन्होंने अपनी बात को जिस अंदाज में कहा क्या वाकई में पार्टी आला कमान के लिए कोई संदेश छिपा है। सीधा रुख करेंगे, दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, देहरादून से हमारे साथ प्रदीप भट्ट जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ विनोद उनियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद मैडम आपके पास हम आना चाहेंगे, ये मैडम कौन बदनाम कर रहा है निशंक जी को? जी ऐसा है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर है और निसंदेह ही हमारी पार्टी में माननीय निशंक जी का एक विशेष स्थान है। वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, जब हम लोग उत्तर प्रदेश में थे तो वहाँ पे मंत्री भी रहे हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यकाल चला है और इसके बाद वो डोईवाला से विधायक भी रहे हैं और तत्पश्चात उनको हरिद्वार से वो सांसद भी हैं। तो निसंदेह ऐसी कोई भी घटना नहीं है कि जिसमें निशंक जी का होना जरूरी है और निशंक जी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कार्यकर्ता हैं, वो एक कवि हैं, वो एक लेखक हैं
और एक कवि का हृदय होता है कि वो अपनी बात को बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। उन्होंने उनके अंदर मैडम मैंने उनका इतिहास थोड़ी ना पूछा आपसे, मैंने आपसे थोड़ी ना पूछा कि उनका श्रीनगर से क्या नाता है, वो डोई वाला से आके चुनाव क्यों हारे, हरक सिंह रावत के साथ उनका क्या 36 का आंकड़ा था, फिर कैसे वो एक हो गए। मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने डोईवाला में चुनाव हरा दिया, उपचुनाव हरा दिया मुख्यमंत्री को। मैंने आपसे ये थोड़ी ना पूछा मैडम, मैंने तो आपसे ये पूछा कि उनका दर्द क्यों झलका। कोई कोई चुनाव हरा बिल्कुल नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं मैंने थोड़ी ना कहा मैडम, ये तो आरोप लगे थे ना, ये तो आप भी जानते हैं। उनके अंदर है ही नहीं, आपके छिपाने से मेरे कभी हृदय है, कभी मैडम दर्द नहीं है उनके अंदर। वो मैडम आप सीधा आइए ना, आपसे मैं सीधा पूछ रहा हूँ क्यों नाराज है, क्यों दर्द झलक रहा है। संवेदनाशील होता है और नहीं नहीं हमारे संगठन के अंदर या हमारी पार्टी के अंदर कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। और ये काम जो करते हैं ये कांग्रेस वाले करते हैं। अच्छा। कांग्रेस वाले अपनी बात को रखते हैं, वो निशंक जी से घबराते हैं, इसलिए वो निशंक जी को इधर उधर उनकी बातों को इस तरह अच्छा, से करते हैं। निशंक जी से वो घबराते हैं, निशंक व्यक्ति हैं, कवि हृदय हैं, और निश्चित मानिए आपने आपने पूरा इतिहास नहीं बताया मुझे निशंक जी का। कांग्रेस वाले घबराते हैं, आपने पूरा इतिहास नहीं बताया मैडम, आपने पूरा इतिहास नहीं बताया, आपने 2006 के बाद का इतिहास नहीं बताया। हम बता रहे हैं कि आपने 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 वो इतिहास नहीं बताया जब वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और मौजूदा मुख्यमंत्री कृषि मंत्री हुआ करते थे। आपने वो इतिहास नहीं बताया जब मौजूदा मुख्यमंत्री डोईवाला से चुनाव हारे तो उपचुनाव हराने की जिम्मेदारी और आरोप किस पे लगे। आपने ये नहीं बताया कोटद्वार में जब खंडूरी चुनाव हारे तो फिर किसके ऊपर आरोप लगे, आपने ये तो बताया नहीं मैडम। ऐसा नहीं है, हमारे हमारी पार्टी में हम सब लोग एकजुट हैं और हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरोहर हैं। मैडम आप नारा याद करके हैं, तीसरी बार बोल रही हैं आप ये नारा। बनाना चाहते हैं आपने मुझे आपने बताया नहीं, आपने मुझे पूरा इतिहास नहीं बताया, मैंने पूरा करेक्ट कर दिया आपको। हमारे नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई भी गलती वो कोई भी दिक्कत नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के ये कांग्रेस वाले ठीक है आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्रदीप भट्ट जी जरा लीजिए फ्रेम पर, प्रदीप जी ये तो कह रहे हैं कि भैया अपना घर तो संभल नहीं रहा जी, और निशंक जी का नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं यूं ही बीजेपी को। भाई क्यों बदनाम कर रहे हैं बताइए जरा। कौन बदनाम कर रहा है, कौन मीडिया के सामने आकर के अपना दर्द बयां कर रहा है ये तो आप देख रहे हैं। और निशंक जी जिस तरीके से खुलेआम सार्वजनिक तौर पे उन्होंने अपना दर्द बयां किया, वो हरिद्वार से सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका बहुत पुराने नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भाजपा में जिस तरीके से भाजपा कहती थी कि हम जो है पार्टी में और सरकार संगठन में हम वरिष्ठता को आधार बनाते हैं, तो आप आज देखिए कि इनके वरिष्ठ लोग कहाँ हैं। आज आठ आठ बार के जो विधायक हैं हरबंस कपूर जी वो सिर्फ विधायक बन के रह गए हैं, और पहली बार के जो विधायक बन गए धन सिंह जी वो कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कितनी गुटबाजी है ये आप साफ देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी सर फुटबल भाजपा के अंदर हो रहा है दीप भाई, और भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी जो सामने आ गई है, जो खुल करके सामने आ गई है, और नगर निकाय चुनाव भाई जी भाई एक मैडम एक मिनट मैडम जी मैडम 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 मुझे मत समझाइए, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, अभी अभी क्लियर कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए मैडम, यहाँ मेरे पास सबका हिसाब किताब है, खाता ना भाई जो हरीश रावत का है वही सही, सब हिसाब किताब है मेरे पास। पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया, प्रदीप भट्ट अगर इनके यहाँ पर इनके यहाँ अगर सीनियर नेताओं की इज्जत नहीं तो आपके यहाँ निकाय चुनाव में देख ली मैंने कितनी इज्जत हुई हरीश रावत की, हुई इज्जत, इज्जत का पाठ पढ़ा रहे उनको। मैं आपको बता दूं तिलक जी नहीं हरीश रावत जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है, पूरा सम्मान उनका है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया है, गोल कर दिया सवाल, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भट्ट वो इज्जत विधानसभा इज्जत अब खुद की सड़क पे आई तो गोल कर दिया सवाल, नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं सवाल गोल कर दिया ना प्रदीप भट्ट, उनके जो शहरी
जो शहरी विकास मंत्री है, नगर विकास मंत्री है माननीय मदन कौशिक जी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र से मेयर को नहीं जीता पाए। हरिद्वार के जो सांसद भी है निशंक जी, वो डोईवाला और हरिद्वार में मेयर चुनाव हार गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया है, मैं तो मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए कि आपके खिलाफ जनता ने जनादेश दिया है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, खाता रहा भाई जो हरदा का है वही सही। आप गुटबाजी में खामोश हो गए, आप निकाय चुनाव पे आ गए। मैंने गुटबाजी की बात की और प्रदीप भट्ट निकाय चुनाव पर आ गए, है ना। पत्थर वही मारे, पत्थर वही मारे जिसने अपराध ना किया हो। प्रदीप भट्ट, आपने भी विश्वास नहीं जीता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड प्रदीप भट्ट, भारतीय जनता पार्टी हो गया, खो चुकी है, हो गया, हो गया, हो गया, समझ गया, समझ गया, यही आपकी जीत है। बीजेपी चुनाव ना जीते, भले ही निर्दलीय चुनाव जीत जाए, आपकी जीत है तो ये जीत मुबारक हो, ये जीत मुबारक हो प्रदीप भट्ट आपको। आप 100 बार ऐसी जीते जीते, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अगर यही आपकी जीत है तो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हो गया, हो गया। डोईवाला जहां से खुद प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जहां से आते हो, वहां पे अगर जनता ने उनके खिलाफ जनादेश दिया है तो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ जनादेश है, हो गया, सरकार के खिलाफ जनादेश है। एक सेकंड, एक सेकंड, विधायक जो है अपने वोटों से सभासदों को नहीं जिता पाए हैं, इनके तमाम मंत्रीगण अपने पार्षदों को जिता नहीं पाए हैं, तो जनता ने इनके खिलाफ जनादेश दिया है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, स्वीकार करते हुए, एक सेकंड, एक सेकंड, अपने पदों से, हो गया प्रदीप भट्ट, प्लीज प्लीज, हो गया। विनोद मैडम, एक सेकंड, एक सेकंड, आराम से मैडम, संयम के साथ। अच्छा ये बताइए, चलिए वो तो उनके घर में गुटबाजी है, ये आपके घर में चिंगारी है, फूंक मार रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, ठंड का मौसम है, मुझे सीधा ये बताइए निशंक जी, समझा क्या रहे थे? देखिए मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि निशंक जी एक कभी हृदय हैं, और कभी हृदय जो जो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एक कभी हृदय जो होता है वो अपनी भावनाओं को, और उन्होंने ठीक कहा है, उसमें गलती क्या है। उन्होंने कहा कि हर जगह मेरा नाम लिया जाता है, और हर जगह हमारा जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे माननीय निशंक जी हैं, माननीय कोश्यारी जी हैं, खंडूड़ी जी हैं, माननीय त्रिवेंद्र जी जो पूरा उत्तराखंड राज्य संभाल रहे हैं, सब लोग वरिष्ठ हैं, तो अपने 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 भावना को व्यक्त किया है उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, उन्होंने ठीक ही तो कहा है कि जहां भी जिक्र होता है मेरा, और होगा क्यों नहीं, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 108 जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो 108 उनके मैडम, आप मुझे घुमा रही हैं, चली है, देखिए न जाने कितनी प्रसव वेदनाओं में प्रसव बहनों ने। हाँ मैडम, एक सेकंड, आप मुझे घुमा रही हैं, सफल नहीं हो पाएंगे, मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, उसमें आप मुद्दे पे आइए। मैंने पूछा कि निशंक जी जो बात कह रहे थे, तिलक जी आपको कौन घुमा सकता है, आपको क्यों घुमाना है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैडम, जो वो कह रही थे अंत में, उन्होंने जो बात कही कि भैया जिसको बिठा दिया, हाँ जी, जिसको बिठा दिया, आप समझ रहे थे ना किसको बिठा दिया, तो उनसे पूछा जा रहा है, तो उनसे पूछ के बिठाया था क्या, तो ये भी दर्द नहीं है क्या, ये भी कविता कविता सुना रहे थे? नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं दर्द उनका कोई नहीं है, उन्होंने अपनी बात अभी उन्होंने अपनी बात को रखा है, हाँ, और ठीक ही रखा है। मैं पहले वो तो देखिए, कभी हृदय जो होता है उसमें विभिन्न तरह के उद्गार आते रहते हैं, जो लेखक होता है उसके विभिन्न प्रकार के उद्गार आते रहते हैं, तो इसी संदर्भ में उन्होंने कह दिया होगा, आप, तो ऐसा कोई नहीं, आप जिस कविता का जिक्र कर रहे हैं ना मैडम, मैंने आपसे कहा ना, उनका उनका आप जितना निशंक जी का इतिहास, निशंक जी का इतिहास मुझे पढ़ाएंगे मैं उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा। फिर वो एक डॉक्टर और एक शिक्षक भी रहे हैं ना मैडम, एक शिक्षक जो पाठ पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है, आप मुझे आप कवित्री की भाषा में कहेंगे तो फिर मैं आपको अध्यापक की भाषा में समझाऊंगा, आ रहा है ना मैडम, रहे ना, शिक्षक भी रहे अध्यापक भी रहे वो। आप बताइए मैडम। जी जी बिल्कुल रहे हैं, विद्या मंदिर में शिक्षक रहे जी, वो किसके साथ स्कूटर पे जाते थे वो भी छोड़िए, आप मुझे ये बताइए। ऐसा तो हमने कहीं वो नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग, हाँ आप समझ गए होंगे, आप इतिहास कितना मेरे को, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा है, और हाँ। ये बात निश्चित है कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमारे अच्छा। संगठन को उनका बिल्कुल मार्गदर्शन मिलता रहता है, सरकार को भी
क्योंकि मुख्यमंत्री मैं एक बयान सुना देता हूं, ये है, मैं एक बयान सुना देता हूं मैडम, मैडम इनका भी मार्गदर्शन लीजिए, इनके मार्गदर्शन के बिना हरक सिंह, मेरी बात सुनिए, एक और बयान सुना रहा हूं आपको, इनके मार्गदर्शन के बिना हरीश रावत कदम नहीं उठाते थे और इनके मार्गदर्शन के बिना बागुड़ा कदम नहीं उठाते थे, तो इसका मतलब इसके इनके मार्गदर्शन के बिना त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कदम नहीं उठा सकते। सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा था। कैंडिडेट किसको लाया जाए ये मुझसे न किसी ने चर्चा की और मेरी आदत नहीं है। देखिए मैं बहुत साफ बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अब चाहे आप इसको मेरा घमंड कहो, चाहे इसका मेरे उम्र का कारण कहो, चाहे इसमें मेरे को आप ये कहो कि मैं भाई अब इतने भी गई गुजरी स्थिति नहीं है कि मतलब मंत्री रहते रहते और विधायक रहते रहते कि मैं अब वहां गिड़गिड़ाने लोगों से कहूं कि नहीं साहब इसको नहीं उसको कैंडिडेट दो। अगर मुझसे कोर कमेटी का मैं मेंबर हूं, वहां का प्रभारी था, अगर कोई मुझसे पूछता कि भाई किसको टिकट देना है तो मैं बिल्कुल सही राय देता, पार्टी के हित में राय देता। जरा मैडम जी को फ्रेम पे लीजिए, लीजिए मैडम जी को फ्रेम पे। मैडम आप ये बताइए, इनका इतिहास भी बताऊं क्या मैं आपको? मेरी आवाज वो स्कूटर वाली बात याद आई मैडम आपको, मैंने क्यों कही थी आप बताइए? ये माननीय हर सिंह रावत जी की आवाज है, इनकी आवाज को नहीं जानता मैडम, इनका परिचय मत दीजिए मैडम, इनकी आवाज कौन नहीं जानता। मैंने तो पहले कहा हरीश रावत इनके बिना पूछे कदम नहीं उठा पाए, बोगना बिना पूछे कदम नहीं उठा पाए, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत काय को उठा रहे हैं मैडम, काय को जो है लेने के देने पड़ जाएंगे, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? ऐसा है कि जब हमारी कोर कमेटी की बैठक होती है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा हिसाब है कि जो भी टिकट मिलता है वो सर्वसम्मति से मिलता है तिलक जी, और कोर कमेटी की बैठक हुई है। क्या बोल रहे थे? दिलीप रावत जी जिनकी पत्नी को लड़ाया पहले निशंक जी ने क्या बोला, फिर मैंने हरक सिंह रावत का बयान सुनाया आपको। और दूसरा ये कोर कमेटी की बैठक, दोनों एक ही बैच के हैं, सिर्फ एक के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और एक के आगे मौजूदा कैबिनेट मंत्री। आप इतिहास मत बताइए मैडम मेरे को, आप मेरे को सीधा बताइए दोनों जो समझा रहे थे वो क्या समझा रहे हैं, पूछा नहीं गया? नहीं नहीं कौन ये नहीं नहीं पूछा तो ऐसा तो मैं जैसा मेरा जैसा मेरी अपना है संगठन में मैं भी काम कर चुकी हूँ, तो संगठन में कोई भी काम सर्वसम्मति से होता है इतना जरूर है। प्रदीप भट्ट हमारा संगठन ऐसा लचर नहीं है, पूरा संगठन दिखाई बैठेगा, पूरी कोर कमेटी बैठेगी और उस तब जाके कोई फैसला होगा। प्रदीप भट्ट मजा आ रहा है जी? तिलक जी इनके घर की गुटबाजी कल तक तो आप भी जो है पार्टी गुटबाजी कांटा लगता था तो लंगड़े पैर चलते थे आप लोग, यही हरक सिंह रावत रोज कांटा मारते थे पैर पे हरीश रावत के, आज मजा तो आ रहा होगा ना? आज देख रहे कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी आज महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाकर के गलत कदम उठाया, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे करके जो लोकतंत्र की हत्या उन्होंने करी थी और हरीश रावत जी की सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र रचा था, कहीं ना कहीं आज वो उस बात पे अपनी जो है पछता रहे होंगे कि बहुत गलत निर्णय लिया। आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो हाशिए पर है, जो व्यक्ति लगातार चुनाव जीत रहा हो और आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय अपने मतलब के लिए तो उनका पूरा उपयोग किया, जिस समय अपना स्वार्थ लेना था उस समय टिकट बांटने के लिए केदार सिंह रावत जी को हरक सिंह जी के कहने पे एक मिनट के अंदर टिकट दे दिया, यशपाल आर्य जी के बेटे को एक झटके में टिकट दे दिया। आज अगर जो है उनके कहने पे एक नगर पालिका अध्यक्ष का या मेयर का टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो वो आज खुद में अपने को महसूस कर रहे होंगे कि बहुत बड़ी चूक उनसे हुई है, आज बड़ी पीड़ा हो रही है, राजनीतिक चूक उनसे हो गई है। प्रदीप भट्ट और आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर खून के आंसू हो रहे हैं आपको दे रही है प्रदीप भट्ट, भारतीय जनता पार्टी में जिस नेता दे रहे हैं क्या उत्तराखंड में नेताओं का अकाल पड़ गया क्या कांग्रेस में? मैं बता रहा हूँ आपको, अरे हमारी सरकार में मंत्री है वो, माननीय मंत्री है, माननीय मंत्री है वो, आप सुन रहे हैं ना? तो फिर भी आज पूरे प्रदेश के अंदर पूरे प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ आज उभर के आई है और नगर निकाय के जो नतीजे हैं आप सुन रहे हैं ना? उत्तरकाशी उनके माननीय है मुख्यमंत्री ने कल तक सदन में खड़े होकर अजय भट्ट रोज आरोप लगाते थे, आज उनके माननीय एक सेकेंड उत्तराखंड की जनता ने निशंक पर आइए ना प्रदीप भट्ट हो गया एक सेकंड प्रदीप भट्ट
प्रदीप भाई वार्ड से अपने भाई को चुनाव नहीं जिता पाए हैं। प्रदीप भाई अपने सगे भाई को अगर इनका विधायक चुनाव नहीं जिता पा रहा है तो आप, अरे सर आपने जितवा लिया ना, कितना आक्रोश है, आपने जितवा लिया ना, आपने तो पूर्व मुख्यमंत्री को हराने वाले को मेयर कैंडिडेट बनाया तब भी चुनाव नहीं जीत पाए। अब सुनिए मेरी बात प्रदीप भट्ट सुनना है, यस और नो। प्रदीप भट्ट पहले अपना घर संभालिए। उत्तराखंड की जनता भ्रम में, आपने जिन्हें आप जिन्हें नंबर टू कहते थे वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जीतवा पाई, मालूम है आपको? अपना घर संभालिए पहले। आज एक सेकंड प्रदीप भट्ट, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को चिताने का काम किया, उनको उनकी जमीन, ठीक है बता दिया। प्रदीप भट्ट सवाल का जवाब देंगे या सुन दो, कांग्रेस प्रत्याशी को जिता के भेजा है प्रदीप भट्ट, प्रदीप भट्ट हरिद्वार के शहरी विकास मंत्री मदन कौर सिंह जी के, आप रुकिए पहले ये बयान सुना दीजिए। गजेंद्र रावत वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं? शोर नहीं प्रदीप भट्ट प्लीज ये बयान सुनाइए पहले। जब मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी जी को बनाया गया था, उस दौर में जो विद्रोह करने वाले लोग थे उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल थे, उसमें रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल थे, उसमें भगत सिंह कोश्यारी थे, प्रकाश पंत थे, वो तमाम बड़े चेहरे थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो भगत सिंह कोश्यारी और ये जो सारे लोग, इन लोगों ने उस समय मिल के जब भुवनचंद खंडूड़ी को हटा के रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया था। बाद में हालात ऐसे कि 2 साल के अंतर ही वही निर्णय बदल के इन लोगों ने फिर निशंक को हटाने के लिए काम किया। उसके बाद आपने जो दूसरा दौर देखा कि विजय बगोड़ा को हटाने के लिए फिर ताकत लगाई कि फिर विजय बगोड़ा को हटा दिया गया। बाद में एक चीज जो और जो खतरनाक जो इस प्रदेश के लिए स्थिति हुई वो आपने तब देखा होगा जब कांग्रेस जैसी जो सत्ताधारी दल था वो विधायक 10 विधायक वहाँ 9 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये चीज़ें वही है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो बड़ी सीट पर लोगों की नजरें हैं। मेरे महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत सारे जो ऐसे नए फैक्टर्स अब आ गए हैं जो तमाम दलों से भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोग आ रहे हैं। तो जो पुराने लोग थे अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा है। जो निकाय चुनाव थे, निकाय चुनाव के दौरान ही जो पुराने जो 5 सांसद हैं यहाँ पर, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन लोगों से कहीं पूछा भी नहीं गया, बोला कि भाई उनकी ओर से भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको टिकट दिया जाना चाहिए। तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आई तो आपने देखा कि रानीखेत में चुनाव हार गए आप, हरिद्वार में चुनाव हार गए आप, डोईवाला में चुनाव हार गए। तो सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा प्रदीप भट्ट, इधर उधर के आरोप नहीं। डोईवाला से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, कल तक जो आपकी कमजोरी थी इन्होंने ताकत बनाई, अब इनकी कमजोरी आप ताकत बना पाएंगे अपनी? यस और नो। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है, हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, हम विकास को लेकर के चलते हैं, हम विपक्ष में हैं, जनता ने इस समय हमें विपक्ष में दिया है और हम जनता की आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस बड़े मजबूती के साथ उभर रही है और जनता ने जिस तरीके से निकाय चुनाव में जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी को, आप देखेंगे अभी तो सेमीफाइनल है 2019 आने दीजिए, लोकसभा चुनाव में 5-0 से जो है भारतीय जनता, तो क्यों लगता है कि डोईवाला में की जनता करेगी? सुनिए इसका परचम आपको क्यों लगता है कि डोईवाला में भीतरघात हुआ? आपको क्यों लगता है कि हरिद्वार में भीतरघात हुआ? आपको क्यों लगता है कि कोटद्वार में भीतरघात हुआ? क्यों आपको लगता है? देखिए डोईवाला में जो उत्तराखंड की महान जनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहां से हैं और जो उनका 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है, जनता में भारी आक्रोश था, जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जनादेश दिया है। इसमें मैं नहीं मानता कि गुटबाजी है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, आप देखिए जो उनकी नगर पालिका अध्यक्ष की उम्मीदवार थी उनको जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समिट के दौरान उत्तराखंड आए थे, इन्वेस्टर समिट के दौरान स्पेशल रूप से जो है बेबी फाइनल कमेंट मैडम आपका, अगर ये भीतरघात नहीं माननीय मुख्यमंत्री, अगर 1 और 11 है, सुनिए मेरी बात, हो गया प्रदीप भट्ट, अगर 1 और 11 है ये तो मैं मान लूं कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये ट्रेलर देखकर डरे नहीं होंगे। और निशंक जी ने जिस गांव को गोद लिया था वो याद होगा आपको, उसकी सूरत तो उन्होंने सवार दी। सुनिए चुनाव तो वहीं से लड़ेंगे, हरिद्वार से ही ना, लेकिन जनता ने जो करारी शिकस्त दी है ये हो गया प्रदीप भट्ट, हो गया, अगर 4-5 कैंडिडेट हो जाते हैं तो
जिनका बयान सुनाया था वो भी पहाड़ छोड़ के मैदान पर आकर चुनाव लड़े थे। जनता का उनके ऊपर भरोसा नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मालूम है हकीकत क्या है पर्दे के पीछे, और निशंक साहब का दर्द यूं ही नहीं झलका, वो एक तीर से तीन शिकार करते हैं, ये भी उनका इतिहास है, ये भी आपको मालूम होगा। फिलहाल कुछ बयानों के साथ छोड़ के जा रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बारे में तो निशंक जी ही बता पाएंगे कि मूल रूप से वो बात क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नेताओं के सम्मान का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि सभी सम्मानित हैं, निशंक जी भी हमारे सम्मानित और वरिष्ठ नेताओं में सम्मिलित हैं। जो भी उनको जो है पार्टी ने समझा है, वो उचित तरीके से जो उनको सार्वजनिक जीवन में महिमामंडित करने का काम किया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बात सही है, राजनीति में वरिष्ठतम लोगों के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए, और कहीं अगर जो है इस तरह की कोई चूक होती है तो मैं सोचता हूँ कि उसको ठीक करने की आवश्यकता राजनीति में रहनी चाहिए।